हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत जल्द। क्या आपको अच्छा सुनने को मिलेगा अपनी लाइफ में बहुत ही जल्द। सो यहाँ पे आपके सामने दो कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर वन इज़ गार्डन। यहाँ पे मैसेज है, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज पोशन एंड मैसेज इज रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। सो जो भी कार्ड या इमेज मैसेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड चूज करिए एंड देन वील स्टार्ट योर रीडिंग विथ दी ग्रुप नंबर वन। हाई गाइज, ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है गार्डन का कार्ड और आपके लिए मैसेज है समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। सो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। यहाँ पे इस लेडी ने यहाँ पे कुछ पौधे लगाए हैं एंड शी नोज दैट आगे जाके इससे बहुत बड़े बड़े जो है वो पेड़ बनने वाले हैं। समथिंग लवली, सो जो कोई आपके माइंड में कोई आइडिया है, आपने कोई स्टार्टिंग करी है किसी चीज़ की, या आपको डाउट है, फियर है, सो डरना नहीं है। आपका जो भी आइडिया है, आप जो भी लाइफ में कर रहे हो, उससे आगे कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ बड़ा ही होने वाला है। सो नेवर डाउट योर आइडियाज़, नेवर डाउट योर इंटेंशंस। कुछ भी करने से पहले आपको डरना नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग देनी है उस चीज़ की। चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर वन के लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत जल्द। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स। We have eight of wands. यहाँ से हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले ग्रुप नंबर वन के लिए गुड न्यूज़। We have the family room. And we have is the pathway. ओके, सो ग्रुप नंबर वन, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आपका कहीं काम में मन नहीं लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हो, डिप्रेस रह रहे हो, अपसेट रह रहे हो। मे बी आपको जो काम करना पसंद था उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसका रास्ता क्या है। राइट, आप पाना बहुत कुछ चाहते हो, आप करना बहुत कुछ चाहते हो, बट आपको वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सो बेसिकली आपको डिवाइन जो है अब एक रास्ता दिखाएंगे, कोई कोई एक पाथवे जो है आपके लिए खुल रहा है। मे बी एक बहुत ही टॉक्सिक सी साइकिल थी आपके लिए जो चल रही थी, फाइनली वो साइकिल जो है वो एंड हो रही है और एक नया रास्ता, एक नई जर्नी जो है वो आपके लिए अब स्टार्ट होने वाली है। सो बेसिकली अब जो होना था वो हो गया। नाउ समथिंग न्यू जर्नी, अ न्यू जर्नी इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए आते हुए दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन दिख रहा है। सो मे बी अगर आपको किसी कॉल मैसेज का वेट है तो कॉल मैसेज आ रहा है आपके पास, या फिर यहाँ पे आप किसी पोजीशन में जा रहे हो जहाँ पे आप दूसरों को लीड करोगे, जहाँ पे आप दूसरों को गाइड करोगे। इस तरह कोई पोजिशन रहने वाली है आपकी। मे बी कोई जॉब लग रही है आपकी जहाँ पे आपको दूसरों को समझाना पड़ता है, या आप टीचर बन रहे हो, आप काउंसलर बन रहे हो, आप मैनेजर बन रहे हो। बट बेसिकली अपने आइडियाज़ दूसरों के सामने रखना, अपने इनोवेशंस, अपना जो भी आपका काम है वो दूसरों के सामने रखना। कोई ऐसा आपकी जॉब या फील्ड या करियर आपका स्टार्ट होने वाला है। राइट, और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए नए घर की दिख रही है वाइब्स की। कुछ नया घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक या फिर नया फर्नीचर, नया रेनोवेशन आप करवाना चाह रहे हो। सो बेसिकली सब कुछ नया नया घर में कुछ कुछ काम होने वाला है, कुछ नया, फिर आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, ये भी दिख रहा है। प्लस यहाँ पे अगर कुछ कुछ लोगों के लिए फैमिली प्रॉब्लम्स है कि कुछ फैमिली से आपकी बन नहीं रही है या फैमिली बॉन्ड नहीं बन पा रहा है आपका, तो वो जो फैमिली प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। या मुझे किसी का कॉल आते हुए दिख रहा है आपके पास, कोई कॉल जिसका बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहे हो, वो कॉल आ रहा है। अभी कॉल कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन का कॉल, कोई जॉब के लिए कॉल, कि कोई ऐसा कॉल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समथिंग कॉल लाइक दैट।
बट यहाँ पे मुझे आप इस डिप्रेसिंग फेज से निकल के एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट फेज में आते हुए नजर आ रहे हो। आपके अंदर जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है इस वक्त वो खत्म होगा और आपकी लाइफ में वो कॉन्फिडेंस फिर से लौट के आएगा, जो कि आपको मोटिवेट करेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके सो आपको लैक ऑफ मोटिवेशन फील नहीं करना है, आपकी लाइफ में अब आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है ऐसी, यहाँ पे यू विल बी द किंग। और देखते हैं क्या गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर वन। ओके वी हैव इज द मेमोरीज ऑफ लव। आई थिंक आप में से काफ़ी लोग किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, लाइक आपके पार्टनर हो सकते हैं अभी आपके साथ नहीं है, या बहुत मिस कर रहे हो इनको, या कोई और पर्सन हो सकते हैं, एंड यू आर मिसिंग वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज जो आपने स्पेंड करी है उनके साथ, या अपने घर से बहुत दूर हो तो अपने घर को बहुत मिस कर रहे हो, आप अपने घर जाना चाहते हो फिर से, राइट? तो आपको वो भी मौका मिलने वाला है, आपका फैमिली रियूनियन दिख रहा है मुझे। बैलेंस कार्ड मतलब आपकी लाइफ में जो कमी है इस बैलेंस की, ये बैलेंस आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। 11th नंबर इज ऑल्सो अबाउट द यूनियन, सो मुझे यूनियन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए विद देयर लव्ड वंस, विद देयर पार्टनर और विद देयर फैमिली। यहाँ पे मुझे जो आपका जो माइंड बॉडी सोल जो इम्बैलेंस में है अभी, वो बैलेंस में आएगा। देन वी हैव सफरिंग इन साइलेंस। एग्जैक्टली आप अभी ऐसे हो, सफर कर रहे हो साइलेंस में और आप परेशान हो रहे हो अंदर ही अंदर। आई थिंक ये रिलेटेड है किसी पर्सन से, कि कोई पर्सन है पर्टिकुलर वो आपकी लाइफ में नहीं है, या आप अकेले पड़ गए हो जनरली अपनी लाइफ में, कि आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को समझा नहीं पा रहे होगी इस वक्त आप कैसा फील कर रहे हो, आपको इस वक्त किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या फिर यू नो यू आर जस्ट सफरिंग अलोन, कि आप अकेले अकेले सब कुछ सहे जा रहे हो। बट ये गलत है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उस चीज़ से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में बैलेंस लाओ, बिकॉज अभी बहुत कुछ है आपको लाइफ में करने के लिए, आपके लिए पूरी लाइफ पड़ी है और अभी आपके बड़े बड़े अचीवमेंट्स होने बाकी हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स आए थे शुरू में आपके लिए, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग एक अच्छी सक्सेस, एक स्टेबल करियर फ्यूचर आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे आपको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। एंड डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दीज थिंग्स पास में रह के, कि पास में क्या हुआ, इस एनर्जी से अपने आपको बाहर निकालो, बिकॉज ये कार्ड दो बार आ गया आपको, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बोथ सफरिंग इन साइलेंस, इस जोन से बाहर निकलो। देन वी हैव ट्रैवल, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ या ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जहाँ पे आपको जाना पड़े, शिफ्ट होना पड़े, राइट, ट्रैवल करना पड़े, या फिर एक ऐसा मौका आ रहा है जहाँ पे आप इस पूरे माहौल से निकल के आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा सा माइंड को शांत कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, सो ट्रैवल भी मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, और ट्रैवल की बहुत ज़रूरत है आपको ना, अपनी लोकेशन चेंज करने की बहुत ज़रूरत है इस वक्त, उस माहौल से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। एंड वी हैव विश, तो ऐसी विश आप बहुत वक्त से मांग रहे हो जो आपकी पूरी नहीं हो रही है और आप परेशान हो रहे हो इस वजह से, वो विश आपकी मुझे पूरी होते हुए दिख रही है आने वाले टाइम में, लेकिन वो तब होगी जब आप अपने बैलेंस एनर्जी में होगे। अगर आप परेशान होगे, आप नेगेटिव सोचोगे तो कैसे होगा फिर, राइट? तो इस सिचुएशन से कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता, आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करके बाहर निकालना पड़ेगा। यू हैव टू बी योर ओन मोटिवेशन। आगे आपके लिए बैलेंस लाइफ है, ट्रैवलिंग है, सक्सेस है, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू टेक यू आउट फ्रॉम दैट फेज। एंड वी हैव न्यू बिगनिंग, सी एक नई शुरुआत आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, जो भी आपके पास में हुआ, जो भी आप जिस वजह से आप परेशान हो, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, वो चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाएगी, वो चीज़ जो है वो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, बट आपको अपने मेंटल हेल्थ पे उसका असर नहीं डालना है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चाइल्ड बर्थ है, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए एक ओवरऑल एक न्यू रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए एक बैलेंस है उनकी एनर्जीज में, जो इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज रह रही हैं आपकी इस टाइम, उस चीज़ में एक बैलेंस दिख रहा है मुझे आपके लिए। सो बेसिकली न्यू बिगनिंग इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो।
इसे देखते हैं। वी हैव सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, फ्रेश स्टार्ट। सी, सनराइज कार्ड आया आपके लिए। कुछ ऐसे आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके अंदर। आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, बस आप वो स्टेप लेने से डर रहे हो। आपके मन में डाउट है, फियर है, और आप वो स्टेप लेना चाह नहीं रहे हो। बट वो डाउट्स और फियर्स को साइड में रखो, अपने डर को साइड में रखो, और एक नई शुरुआत लो। जो पास में हो गया, जिसने जो गलत करा आपके साथ, वो ख़त्म करो, और एक लाइफ की अ फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पे आया न्यू बिगनिंग। सो आपके लिए न्यू बिगनिंग, ये फ्रेश स्टार्ट जो है, ये मैनिफेस्ट हो रही है, जहाँ पे आपके पास नए आइडियाज़ होंगे, जहाँ पे आपके पास नई चीज़ें होंगी करने को, नए आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, नए काम होंगे, और एक जनरल आपकी एक बिजी लाइफ होगी। ताकि यू नो, आप अपनी लाइफ को इस तरह से आप वेस्ट ना करो, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो अपनी लाइफ के साथ। देन वी हैव स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, टॉर्टोइस कार्ड। एंड वी हैव इज प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। एग्जैक्टली, सो अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में जो आपको रिजॉल्व करनी है, और आई थिंक आप उस प्रॉब्लम से भाग रहे हो। आपका ना अभी जो माइंडसेट है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, आपका माइंड है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि मैं प्रॉब्लम 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 पे आप फोकस कर रहे हो। आपका फोकस जो है वो सोल्यूशन पे नहीं है। सो आई गेस यू शुड स्टार्ट फोकसिंग। एक बार आप अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, देन थिंक अबाउट अ सोल्यूशन, कि सोल्यूशन क्या है। क्या कोई पर्सन मेरे को परेशान कर रहा है? क्या मेरी कोई खुद की हैबिट है, ओवर थिंकिंग, मुझे परेशान कर रही है? सो जस्ट लेट इट आउट, ख़त्म कर दो उस चीज़ को, राइट? अगर आपको सोल्यूशन ही मिल जाएगा, बस आप उसको इम्प्लीमेंट करने से डर रहे हो, और आपकी लाइफ स्लो है। बट ऐसा नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। भले ही स्लो चल रही है चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, बट न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, और एक फ्रेश स्टार्ट आ रही है। बट अगर आप वही पुराना बर्डन आप लेके चलोगे अपने साथ, सो हाउ विल यू मैनिफेस्ट दैट न्यू स्टार्ट? तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको पीछे खींच रही है अभी लाइफ में, आपको उसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। आपको उसको अभी एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और वो आप ही कर सकते हो, बिकॉज आप अपनी लाइफ बेटर जानते हो, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, एंड यू नो वेरी वेल कि आपका कौन सा एक्शन जो है आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगा। सो एक्चुअली में यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू नो, वो आपको एनर्जी भेज रहे हैं, वो कि एक न्यू बिगनिंग लो, न्यू स्टार्टिंग लो। वो न्यू स्टार्ट आपके बिल्कुल सामने है, बट आई थिंक आप वो लेने से डर रहे हो। सो यू नो, आपको उस पर वर्क करना चाहिए। लेट्स सी मोर फॉर द ग्रुप नंबर वन, गुड न्यूज फॉर ग्रुप नंबर वन। वी हैव टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। जिन सवालों के जवाब आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो, जिन जो आपको चीज़ें बॉदर कर रही हैं इन दिनों, उसके जवाब आपके अंदर है। मैंने क्या कहा था कि जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन आपके पास ही, बट आप उसको इम्प्लीमेंट करने से डर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हेल्थ इशूज चल रहे हैं कोई, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को खाने से या लेट उठने से या जो भी है, ये हेल्थ इशू मुझे इस वजह से है, बट अगर आप वही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो गलती किसकी है, आपकी या फिर यूनिवर्स की? वो आपकी गलती। तो आपको वो एनालाइज करना है सोल्यूशन, आपको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना है कि आप वो चीज़ फिर से ना करो जिस वजह से हेल्थ इशू बढ़े आपके, राइट? सो आंसर इज़ विद इन। सो यूनिवर्स इज सेइंग, अपने अंदर झांको, अपने इंट्यूशन की सुनो, और अपने आंसर्स पहचानो, और उस चीज़ को अप्लाई करो, ताकि वो आपको ए न्यू बिगनिंग दे सके लाइफ में। देन वी हैव लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। आपकी लाइफ में सेल्फ लव की बहुत कमी है। आप खुद को प्यार नहीं करते हो, आप खुद की केयर नहीं कर रहे हो, आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप खुद को परेशान कर रहे हो, आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो, आप खुद को नेगेटिविटी में डाले जा रहे हो, और वो नहीं करना है। आपके अंदर से लविंग वाइब्स निकलेंगी, तभी आपको यूनिवर्स की तरफ से वो लविंग वाइब्स मिलेंगी। सो इफ़ यू वॉन्ट कि आपकी लाइफ में वो प्यार आए, कमिटमेंट आए, हर कोई आपको प्यार करे, यूनिवर्स आपसे प्यार करे, यूनिवर्स आपको अच्छा अच्छा दे, तो आपको सबसे पहले खुद के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, और वो ही प्यार आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो यूनिवर्स आपसे अभी ये चाह रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं कि क्या गुड न्यूज़ आ रही है।
वाओ, वी हैव टू ऑफ कप्स, सो यस, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, तो रिकन्सिलिएशन. सो दिस इज़ लाइक द बेस्ट एंडिंग ऑफ योर रीडिंग, कि जो भी है प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन है प्यार, चाहे खुद से प्यार करना, चाहे किसी और से प्यार करना. और जिस प्यार की कमी आप महसूस कर रहे हो, जिस पार्टनर का वेट कर रहे हो, वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपको कमिटमेंट देने, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने, आपसे प्यार करने और एक वो नई शुरुआत लेने. बट फर्स्ट, अगर आपको ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, सबसे पहले आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, अपने आप को उस एनर्जी में लाना पड़ेगा जहाँ पे आप उस तरह के पार्टनर को और एनर्जी को मैनिफेस्ट कर सको. अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो लाइफ में आप नेगेटिव पार्टनर्स ही अट्रैक्ट करोगे. सो यहाँ मुझे यूनियन दिख रहा है, एक अच्छा पार्टनर, एक सोलमेट, कमिटमेंट दिख रहा है. यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों का रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, कॉल, मैसेजेस. सो बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. बट ओवरऑल आपकी नई शुरुआत जो है बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है, स्पेशली इन द नेक्स्ट 1 month ये नई शुरुआत जो है वो आपके लिए मैनिफेस्ट होगी. ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय. हेलो ग्रुप नंबर 2. सो आपने चूज़ करा है पोशन कार्ड, रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव. सो इस पिक्चर में जैसे कि ये जो पर्सन है ये अपने लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रही है और ये अपने ऊपर ध्यान दे रही है, अपने लिए जो बेस्ट है वो चीज़ ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है, अप्लाई कर रही है. सो आई थिंक आपको भी लाइफ में करने की ज़रूरत है ऐसी कोई चीज़ जो कि आपके लिए सही है, ऐसे थॉट्स, ऐसा खाना, ऐसी सोच, ऐसे लोग जो आपके लिए पॉजिटिव हैं, जो कि आपकी एनर्जी के लिए पॉजिटिव हैं. आपको ऐसे चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और आपको ऐसी टेक्निक्स फॉलो करनी है जहाँ पे आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे सको. चाहे आपके लुक्स की बात कर लो, चाहे आपकी एनर्जी, चाहे आपकी सोच, चाहे आपका ऑरा, विच इज़ गुड फॉर योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ. आपको ऐसी चीज़ों में फोकस करना है अब आने वाले टाइम में. सो चलिए देखते हैं कि ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है. नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोड्स, एंड नाइन ऑफ कप्स. वाओ, तीनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं आपके लिए. बट हम यहाँ और कार्ड्स लेंगे, पहले हम यहाँ पे दो कार्ड्स और लेंगे. वी हैव, वाओ, वी हैव द गिफ्ट. एंड वी हैव दी फैमिली रूम. ब्यूटिफुल कार्ड्स ग्रुप नंबर 2. सो बहुत ही बढ़िया वाली गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए. सबसे पहले तो जो भी आप विश मांग रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो विश जो है वो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है. बिकॉज वी हैव नाइन ऑफ कप्स, विच इज़ लाइक विश फुलफिलमेंट. वो वाली फीलिंग नहीं होती है जबकि यू फील कि मेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो गए हैं, लाइफ जो है वो मेरे हिसाब से चल रही है और जो भी मैंने ड्रीम किया है, जो भी मैंने सोचा है, जो दिल से मैंने चाहा है, वो सब कुछ मुझे मिल रहा है. और ये जो पर्सन यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स होके बैठा हुआ है, एज इफ कि इसके सारे ड्रीम्स जो पूरे हो रहे हैं कि करके. और दिस पर्सन इज़ सो मच रिलैक्स एंड दिस पर्सन इज़ थैंकिंग द यूनिवर्स कि थैंक यू मेरी हर विश पूरी करने के लिए. सो आई थिंक आप ऐसा ही कोई थैंक्स बोलने वाले हो यूनिवर्स को, कि आपकी जो भी कोई बड़ी बिग विश है यूनिवर्स वो पूरी करने वाले हैं आने वाले टाइम में. एंड यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं विथ अ प्रपोजल, विथ कन्फेशन ऑफ लव. तो मे बी आप किसी से प्यार करते हो और आप वेट कर रहे हो एक प्रपोजल का, तो वो पर्सन आ रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए. या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में बहुत ही रोमांटिक से पर्सन आ रहे हैं, बहुत सारा प्यार लेके आपके लिए. या अगर आप लोग मैरिड भी हो तो भी अगर एक आपके पार्टनर जनरली एक काफ़ी रोमांटिक बनने वाले हैं, प्रपोज करेंगे फिर से आपको और प्यार शो करेंगे अपना. और अगर कुछ इमोशनल या रोमांटिक गैप आ गया है आपके बीच में तो वो जो है वो ख़त्म होगा. राइट, बेसिकली वो इतना कि दिल से बहुत ज़्यादा खुश होना वो आप होने वाले हो. या मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे एक नया जॉब ऑफर दिख रहा है. पेज ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे. सो यहाँ पे कुछ आपने वर्क करा है किसी चीज़ पे और आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है फाइनली, एज इफ कि यस दैट आई एम द विनर, वो वाली फीलिंग.
ओके एंड आप मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हो. थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेच्योर बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेच्योरिटी लेवल और बढ़ाइए अपने अंदर, बट ओवरऑल आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन रहे हो. या एक गिफ्ट है, अभी गिफ्ट या तो आपका बर्थडे आ रहा है या एनिवर्सरी आ रही है, या कोई फिजिकली कोई गिफ्ट मिल रहा है आपको किसी की तरफ से, या फिर एक गिफ्ट है लाइक फ्रॉम द यूनिवर्स की एक गिफ्ट है, बट एक क्या गिफ्ट है वो पता नहीं है. ये लाइक इट्स पैक्ड बट इट्स लाइक गोल्डन एनर्जी, तो एक बहुत ही पॉजिटिव गिफ्ट है ये. अब एक गिफ्ट कुछ भी हो, लाइक गुड हेल्थ का गिफ्ट, एक गुड अच्छे पार्टनर का गिफ्ट, एक कोई फिजिकल गिफ्ट हो सकता है, एक कोई अच्छी जॉब का गिफ्ट हो सकता है, बट दिस इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन की वो दे रहे हैं आपको ये नई शुरुआत, और ये एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट होगा उनकी तरफ से. देन वी हैव दिस फैमिली रूम, सो बेसिकली आई फील लाइक यू आर लाइक इन टू, आप थोड़ा सा अपने घर को सजाना चाह रहे हो और आपको वो मौका मिलेगा अभी आने वाले टाइम में वो करने का. आप बहुत ज़्यादा यू नो यू वॉन्ट टू बी एन इंटीरियर डेकोरेटर हो, या फिर आप अपने घर को सजा रहे हो, साफ कर रहे हो, सो आप ऐसा कुछ करने वाले हो, या फिर आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हो क्योंकि नया फर्नीचर आ रहा है आपके घर में, या यू नो एक फैमिली बॉन्ड जो है वो फिर से आपका स्ट्रांग हो रहा है, फैमिली कनेक्शन जो है फिर से स्ट्रांग हो रहा है आपका, या कोई फैमिली की कोई विश है आपकी आपके लिए तो पूरी हो रही है, बट समथिंग इज ऑल अबाउट लाइक विश कम ट्रू, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे आपके लिए. ओके और देखते हैं फॉर दी ग्रुप नंबर टू की क्या गुड न्यूज़ आ रही है. ओके वी हैव फर्म फाउंडेशन. वाओ वी हैव हार्मनी. एंड वी हैव द सोलर प्लेक्सस चक्रा. आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने वाले हो अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में. लाइक आप मेजर मेजर डिसीजंस लोगे अपनी लाइफ में, और मे बी ये आपके जो पार्टनर हैं ये यू नो कॉन्फिडेंटली आपके लिए स्टैंड लेंगे अब अपनी फैमिली के सामने और आपकी फैमिली के सामने भी, एंड आपको प्रपोज करेंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे कि दैट येस दे वॉन्ट टू मैरी यू. तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रही है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट रिलेशनशिप दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपका जो बॉन्ड है आपके पार्टनर के साथ वो और स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है. मतलब कि किसी रिलेशनशिप की अगर फाउंडेशन अगर वीक है तो रिलेशनशिप जो है वो वीक रहेगा, बट आपके रिश्ते की जो फाउंडेशन है, यहाँ पे लिखा है फर्म फाउंडेशन, आपका जो रिश्ता है उसकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और आप दोनों यू लाइक इनसेपरेबल की हाँ अब आपको कोई अलग नहीं कर सकता, इस तरह का आपका बॉन्ड रहेगा. एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत ही कुछ सॉलिड ऑफर दिख रहा है लाइक फ्रॉम अ पार्टनर, या फिर आप अपने लिए कुछ कुछ बना रहे हो, कोई घर बना रहे हो, या फिर आप कुछ एक एक आप ऐसी जॉब ले रहे हो, या फिर आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो अपने दम पे. दिख रहा है मुझे कि आप में उतना कॉन्फिडेंस है, उतना पावर है कि आप अपने दम पे कुछ क्रिएट कर रहे हो अपने लिए, कोई लाइफ क्रिएट कर रहे हो, या फिर यू नो यू आर क्रिएटिंग सम थिंग एनी थिंग कुछ यू वॉन्ट, बिजनेस खड़ा कर रहे हो, ऐसे कुछ कर रहे हो, बट इट्स लाइक कोई सॉलिड ऑफर आ रहा है आपकी तरफ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऑफर होगा, जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी लेके आएगा. या मुझे कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा एक दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा आपके अंदर आने वाले टाइम में, और अभी तक जो आप डरते थे शर्माते थे वो आप नहीं करोगे, आप काफ़ी यू नो आप एक विथ हिम्मत एंड कॉन्फिडेंस आप अपनी लाइफ को आगे फेस करने वाले हो, एंड रिलेशनशिप्स आपके जो है वो बहुत अच्छे रहेंगे. और देखते हैं ग्रुप नंबर टू के लिए गुड न्यूज़. कर्मा, सो यस आपके कर्मा के हिसाब से आपको अपना रिजल्ट मिलेगा. जितना अच्छा आप कर्म करोगे, जितना आप हार्डवर्क करोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा, और आपका जो पॉजिटिव कर्मा आपने इकट्ठा करा है इस लाइफ टाइम में उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा. एंड वी हैव करेज. यू आर टोल्ड यू ना कि कॉन्फिडेंस, आई वॉज इन कॉन्फिडेंस, सो करेज कार्ड आया है. सो येस विथ करेज जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आई मीन कॉन्फिडेंस भी एक बहुत अच्छा गिफ्ट है फ्रॉम द यूनिवर्स की हाँ, काफ़ी लोगों में करना बहुत कुछ चाहते हैं बट उनमें करेज और कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके, बट आप में वो कॉन्फिडेंस और करेज होगा कि आपने जो भी सोचा है आप एक्चुअली में उस चीज़ को कर सकते हो, उसके लिए स्टैंड ले सकते हो, चाहे अपने रिश्ते के लिए चाहे खुद के लिए. देन वी हैव दी ट्रस्ट. सो ट्रस्ट रहेगा आपका यूनिवर्स में कि यस
एंड यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट रखो कि जो भी आपने सोचा है अपनी ज़िंदगी में वो आपको मिलेगा, वो आपको देंगे, और आपका जो भी अच्छा कर्म है, आपने जो भी अच्छा करा है लोगों के साथ, वो सबका रिजल्ट वो आपको देंगे, कभी गलत नहीं करेंगे वो आपके साथ। और देखते हैं ग्रुप नंबर टू। Here we have is throne, position of authority. Then we have crib, birth or conception of a child or enterprise. Then we have star, guaranteed success. कितने सुंदर कार्ड आए हैं तीनों आपके लिए। सो यहाँ पे पहला कार्ड है थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। सो एग्जैक्टली एज आई वाज सेइंग कि कोई ऐसी पोजिशन पे आप जा रहे हो जहाँ पे आपकी बहुत एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा उस पोजिशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड इज़ दैट कि कोई नई जॉब दिख रही है मुझे जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, या मुझे प्रमोशन दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए किसी एग्जाम में सिलेक्शन दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। जनरली आप अपनी लाइफ में अपना कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले रहे हो, बट आप ऐसी पोजिशन पे होगे या पहुँचने वाले हो जहाँ पे आपकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, जहाँ पे ऐसे अभी तक आपको लोग निग्लेक्ट करते आए, आपको गुड फॉर नथिंग समझाए लोगों ने, बट नाउ पीपल विल एक्चुअली रिस्पेक्ट यू, बिकॉज जो यहाँ बैठा है उसकी रिस्पेक्ट बहुत होती है। सो यू विल गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल, पीपल के जो ओपिनियंस है वो आपके बारे में बदलने वाले हैं। देन वी हैव बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में एक न्यू बेबी आ रहा है, प्रेगनेंसी न्यूज़ आ रही है जो लोग मैरिड हैं, या फिर ये एक बर्थ है एक नए बिजनेस का, एक नए आइडिया का, कोई आइडिया आ रहा है आपके माइंड में, या कोई नया रिलेशनशिप आपका बिल्ड हो रहा है किसी का, कोई नया बिजनेस आप खड़ा कर रहे हो, तो कोई न्यू बर्थ या फिर आपका नया बर्थ कि आप एक नए वर्जन में आ रहे हो। देन वी हैव गारंटीड सक्सेस। जो भी आपकी लाइफ में आपने सोचा है, जो भी आप कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस जो है वो गारंटीड मिलेगी, ये यूनिवर्स आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। आपके लिए कार्ड भी आया था नाइन ऑफ कप्स का, नाउ वी हैव द स्टार कार्ड, सक्सेस। डेफिनेटली आपकी जो विशेज हैं वो पूरी होंगी। और देखते हैं और क्या गुड न्यूज आ रही है फॉर दी ग्रुप नंबर टू। वी आर वॉन्डरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। सो यूनिवर्स सेइंग टू एंजॉय द जर्नी। ठीक है, पाथ है, आप एक जर्नी पे हो, पर जर्नी को एंजॉय करो, उसको एज अ स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, बिकॉज ट्रस्ट रखना है आपको यूनिवर्स पे कि वो कुछ गलत नहीं करेंगे। सो एंजॉय करो अपनी जर्नी को जितना एंजॉय कर सकते हो इस लाइफ टाइम को, इस मोमेंट को। देन वी हैव मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आई थिंक आप पे काफ़ी लोग हीलर हो सकते हैं, राइट? आपके अंदर बहुत ही हीलिंग वाली एनर्जी है, वाइब्स है आपके अंदर वो, कि दूसरों को वो कंफर्ट करती है। जैसे अगर कोई आपके साथ कुछ शेयर करता है तो आपसे बात करके काफ़ी मन हल्का होता है दूसरों का, या फिर आपका ऑरा जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही हीलिंग वाला ऑरा है आपका। तो मे बी आपके अंदर एक हीलर छुपा हुआ है, और मे बी यू शुड ब्रिंग दैट आउट एंड यू शुड हेल्प अदर्स, और यू शुड हील योर सेल्फ ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हील योर सेल्फ, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। सो बेसिकली आपके ऑरा में वो मैजिक है कि आप एक्चुअली दूसरों को काफ़ी हेल्प कर सकते हो किसी ना किसी वे में, लोगों को अच्छा लगता है आपसे बातें करके, एंड काफ़ी इंट्यूटिव भी हो आप, तो वो एक गिफ्ट और आ रहा है, वो एक आ रहा है कुछ लाइक उस फील्ड में, या समथिंग आपके इंट्यूशन में बहुत ज़्यादा एक 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 स्टेप आप हायर जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा वाइज बनने वाले हो अपने इंट्यूशन वाइज भी, तो आपका इंट्यूशन काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले टाइम में, एंड अपने आप को भी आप काफ़ी हील करोगे और दूसरों को भी काफ़ी हील करने वाले हो आप। लेट्स सी गुड न्यूज़ ग्रुप नंबर टू। थ्री ऑफ सोर्ड, सॉरो, फॉरगिवनेस एंड हीलिंग। सी हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे। सो अभी भी डीप डाउन कुछ ऐसे वूंड्स हैं आपके अंदर, कुछ ऐसे पेन है आपके अंदर जो कि आप नहीं भूल पा रहे हो। आप वैसे बहुत खुश रहते हो लाइफ में, नो डाउट, या आप कोशिश कर रहे हो, या आपकी लाइफ में आप बैलेंस में रह रहे हो, फिर भी कंपेयर टू द पास्ट स्टिल डीप डाउन आपके अंदर कुछ बातें हैं ऐसी दबी हुई हैं, जो कुछ ऐसे गुस्सा हो सकता है वो, या फ्रस्ट्रेशन हो सकती है वो, या फिर एक फीलिंग की
उसने ऐसा कहा था तो मैं कभी नहीं भूल सकता, ऐसी कुछ फीलिंग है, कुछ समथिंग अबाउट दी पास्ट वूंड जो अभी तक आपके दिल में है, वो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उसको निकाल दो, उसको बाहर निकालो, वो बहुत ज़रूरी है। आपके लिए कार्ड आया था हीलर, आपके कार्ड आया हीलिंग, तो हीलिंग शुड स्टार्ट विथ यू, यू शुड स्टार्ट योर हीलिंग फर्स्ट। आपको अपने आप को पहले हील करना। और देख रहे हो इस पिक्चर में दिस पर्सन इज क्राइंग और एंजल्स पीछे खड़े हुए हैं, वो उन्हें इसका कंधा जो है पकड़ा हुआ है और संभाल रहे हैं। सो एंजल्स कहेंगी हम हैं तुम्हारे पीछे, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों पुरानी बातों को अपने अंदर रख के बैठे हो, माफ़ कर दो लोगों को, जस्ट फॉरगिव देम, ओके। सी जो इसका जो कर्मा है, जिसने जो गलत करा है, उसको वो कर्मा मिलेगा, वो पर वो आपके हाथ में नहीं है कि आप कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, दैट इज़ ऑन द यूनिवर्स, यू फोकस ऑन योर सेल्फ। तो अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अपने आप को हील करो, सबसे पहले वो हीलिंग खुद से स्टार्ट करो, देन यू कैन एक्चुअली चेंज द वर्ल्ड। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि हीलिंग लाओ अपनी लाइफ में, अपने आप को हील करो, अपने आप को पॉजिटिविटी दो, भूल जाओ लोगों को, छोड़ दो जिसने जो गलत करा आपके साथ, एंड दिस फोकस की जो आपके लिए सब कुछ अच्छा आ रहा है, दिस गिफ्ट, दिस यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस गिफ्ट की नई शुरुआत, इस पे फोकस करो, ना कि पास्ट पे फोकस करो। ओके गाइज, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।